माय चैनल गाइस, आज मैं रिवील करने वाला हूँ अपनी गाड़ी जो कि पूरी दिल्ली में पहले से रिवील हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी में मैंने अब जो काम किया है वो एंड लेवल का काम किया हुआ है। फुल हाइपर वाइट वाइट बॉडी किट मैंने बना दी है इसके अंदर। अब जो ये इसमें जो काम हुआ है वो आप देख सकते हो किस तरीके का काम हुआ। कमेंट सेक्शन में बताना भाई काम किस तरीके का आपको लगा। ये जो मैंने वाइट बॉडी करवाई है ये वन एंड ओनली शॉकिंग भाई हमारे उन्होंने बनाई है। टायर मैंने वाइट करवाए हैं, इसमें साथ में मैंने लगवाया स्पेसर ताकि गाड़ी और थोड़ा टायर में टायर बाहर आ सके, उसके हिसाब से मैंने बॉडी किट बनवाई है। कई बंदों का मेरे पे मैसेज आता है कि भाई मेरे को वाइट बॉडी बनवानी है या किस तरीके करवानी है, तो वो उसके आपको बता दूँ कि भाई पहले वाइट बॉडी के लिए आपको करवाने पड़ेंगे टायर। टायर के हिसाब से ही क्योंकि हम मर्ज करते हैं कि किस हिसाब से टायर आएगा, किस हिसाब से गाड़ी का जो किट बनेगी वो बना दूँगा मैं। अगर मान लो इतनी वाइट बना दूँ टायर आपका अंदर छोटा पड़े तो फिर मज़ा नहीं आता। तो उसी हिसाब से मैंने टायर पहले बनवाया था, उसके हिसाब से मैंने बॉडी किट बनवा रखी है। जो भी इस बॉडी का खर्चा आया आप लोगों को डीएम करो, मैसेज करो, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके क्या क्या खर्चा आया। ड्यूल टिप पीछे लगा दी है, उससे भाई ने लोगों को कमेंट किया था लोगों ने कि भाई कमेंट और ड्यूल टिप लगाओ, ड्यूल टिप लगा दिया। वर्किंग वो नहीं है, वर्किंग ये है अभी, उसका भी जुगाड़ करूँगा कि भाई किस तरीके से वर्किंग हो सकता है अपना। ये पार्ट वाला स्पॉइलर कलर में मैंने कुछ उसमें डिफरेंट किया हुआ है। कलर का जो टोन है वो धूप पड़ने पर गाड़ी पिंक ग्रीन और ब्लू में थोड़ी शाइन करती है। बाकी ऊपर का मैंने रूफ का बटा दिया यार, मैंने ये दो लगा रखे हैं अभी। इसमें मैंने अपनी पुरानी अपनी हाइपर लिंक की लाइट लगा दी है, इसका थ्रो आप जानते हैं किस तरीके से बना हुआ है। और ये छोटी सी मॉडिफिकेशन करवाई थी मैंने साथ में इसके, जो कि BMW स्टाइल में बनवाया, थोड़ा मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि सामने से अगर आप देखो थोड़ी सीन टाइप की लुक अच्छी निकल के आती है। और ये मैंने साइड में बनवाया है, ये मैंने साइड में बनवा दिया एक्स्ट्रा ताकि पानी वानी बारिश वारिश होती तो पांच शीशे पे इसके वो ना आए, छूटे ना आए। फिल्टर मैंने नीचे का पूरा बड़ा करवाया है, आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी बॉडी के साथ ये पूरा का पूरा मर्ज कर रहा है और ये डिज़ाइन पूरा का पूरा इस पर आ रहा है। इसकी टिंट हेडलाइट फॉग लैंप ऊपर वाली लाइट मैंने टिंट करवा दी है येलो में ताकि थोड़ा फॉग वॉग की दिक्कत आती है वो खत्म हो जाए। अपना वाइट प्रॉपर लोगो ब्लैक, कई बंदों के मेरे पे कमेंट आते हैं भाई जाली ब्लैक करवा लो, ये ब्लैक करवा लो। भाई देखो मैंने कोशिश करी थी करने की लेकिन मज़ा नहीं आया था, प्रॉपर जो अलग सी लुक निकल के आती है वो इसमें आती है, इसकी वजह से फिर मैंने ये ट्राई किया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर इसमें गाड़ी को और कुछ मॉडिफिकेशन रह गई है तो मैं करवा सकता हूँ। बाकी फिलहाल मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ अभी दोबारा नया, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरी की पूरी वीडियो जिस तरीके से गाड़ी ये बनी है वो आप देख सको उसमें आराम से। इंटीरियर मेरा वही है पुराना जो मेरे था पहले से, अभी इसमें भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ अलग से करवाने का। बाकी फ़िलहाल मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं एयर सस्पेंशन का, जो कि मेरे को अभी फ़िलहाल मेरा आउट ऑफ बजट जा रहा है, लेकिन अभी कोई बजट में अगर आता है तो फिर मैं उसमें करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको अपने वही पुराने वाले कोबरा सस्पेंशन लगवा रखे हैं जो कि जिसकी वजह से गाड़ी इतनी लो लग रही है। प्रॉपर गाड़ी का सिनेमेटिक शॉट देखना हो तो आप देख सकते हो, उसके बाद मुझे बताना गाड़ी किस तरीके की लगी।